सुप्रभात स्नेही स्वजन, कैसे हैं आप व परिवारजन? आशा है कि सभी स्वस्थ एवं प्रसन्नचित होंगे। आज मैं आपको एक और खूबसूरत इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट के विषय में संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और जानें इस पौधे का रोपण, संरक्षण, संवर्धन एवं रखरखाव। साथियों, यह एक खूबसूरत पौधा कैलेथिया मेडेलियन है। इसका वानस्पतिक नाम कैलेथिया वेचियाना है, जो साउथ अमेरिका के वर्षावनों का एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है। यह उच्च आर्द्रता, कम रोशनी, उष्ण नमी वाले वातावरण को पसंद करता है, जो गर्मियों की शुरुआत से ही स्वाभाविक ग्रोथ करने लगता है एवं नई नई पत्तियां निकालने लगता है, और सर्दियों की शुरुआत तक यह ग्रोथ करता है, फिर इसकी ग्रोथ रुक सी जाती है। यह पौधा जमीन पर 6 से 36 इंच तक बढ़ सकता है। इसकी करीब 300 वेराइटियाँ पाई जाती हैं। सबकी केयर एक जैसी होती है, अर्थात जिस देखरेख का मैं विवेचन करूँगा वह सभी कैलेथिया प्लांट के बेहतरीन ग्रोथ के लिए अप्लाई होती हैं। सबसे पहले हम इसे रिपोर्ट करते हैं। इसके लिए जो हमने मीडिया बनाएंगे वह हल्का पोरस, वेल मॉइस्ट व वेल ड्रेन, जिसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक रहेगी। इसके लिए हम 40% कोकोपीट, 30% रिवर सैंड, 10% वर्मी कंपोस्ट, 10% ब्रिक डस्ट और डस्ट के टुकड़े, 10% हमने इसमें वीट हस्क मिलाएंगे, जो थोड़ा एसिडिक बनाने के साथ साथ एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर का भी काम करेगी व एरेशन में मदद करेगी, जो कि परलाइट वर्मिकुलाइट का एक सब्स्टिट्यूट है। आइए अब हम इसे रिपोर्ट करते हैं। इसके लिए हमने 10 इंच का पॉट लिया हुआ है, जिसके ड्रेनेज होल को हमने नारियल के टुकड़ों से कवर कर दिया है। इस पर हमने एक लेयर नारियल की जटाओं की रखी है, एक लेयर हमने ईंट के एवं सिंडर के टुकड़ों की भी रखी हुई है और कुछ रेत भी डाल दी है। अब हम इसे थोड़ी दबा देंगे वह हम हमारा सॉइल मिक्स जो हमने मिक्स किया हुआ है उसे डालेंगे। अब हम हमारे पौधे को रख कर देखेंगे। हमारा पौधा अब सही साइज पर आ गया है। इसे हम धीरे से निकाल कर पॉट में बीचों बीच हमने इसे रख दिया है। अब चारों तरफ से हम एक जैसी मिट्टी इसमें फिल करेंगे। साथियों, अब हमारा प्लांट रिपोर्ट हो गया है। इसको हमने वाटरिंग के लिए एक ट्रे में कुछ सिंडर के टुकड़े रखे हैं और पानी भर दिया है। ये स्वतः ही जल को अवशोषित कर लेगी। साथियों, इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में ही रखें, प्रतिदिन सॉइल चेक करके ही वाटरिंग करें, सुबह एक बार मिस्टिंग जरूर करें, इसे ब्राइट सनलाइट में ही रखें और हमेशा इसके आसपास आर्द्रता बनी रहे। ज़्यादा देखभाल करने वाला खूबसूरत पत्तियों वाला यह प्लांट है। अगर आप ज़्यादातर व्यस्त रहते हैं तो इस पौधे को ना लगाएं, क्योंकि इसकी नियमित रोज़ देखभाल करना अति आवश्यक है, नहीं तो इस पौधे का सर्वाइव करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसकी पत्तियां प्रार्थना के समय जिस तरह हथेलियां जुड़ी रहती हैं, उसी प्रकार यह मुड़ जाता है, इसलिए इसे प्रेयर प्लांट भी कहते हैं। सर्दियों में इसकी वृद्धि स्वाभाविक तौर पर रुक सी जाती है, अतः इस समय आप इसे किसी भी तरह का खाद ना देवे, नहीं तो इसकी रूट बर्न हो जाएगी और पौधा मर भी सकता है। वसंत और गर्मी महीने में एक बार NPK 15-15 दीजिए, यह बढ़िया ग्रोथ करेगा। इसे मकड़ियाँ, मिलीबग, एफिड परेशान करते रहते हैं, अतः इसके लिए आप नियमित मुलायम कपड़े से इसकी पत्तियों को साफ करते रहें। ज़्यादा समस्या हो तो नीम ऑयल का स्प्रे इस पर 15 दिन में एक बार कर देना चाहिए। महीने में एक बार साफ फंजीसाइड 1 लीटर पानी में घोलकर देवें, जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। इसके पत्ते गैर विषैले व स्वादिष्ट होते हैं, अतः पालतू जानवरों से दूर रखें, नहीं तो वे इन्हें खा भी सकते हैं। इसे फिल्टर्ड पानी ही दें, क्योंकि नल के पानी में क्लोरीन, खनिज लवण और फ्लोराइड होता है, जो हमारे कैलेथिया प्लांट के लिए हानिकारक है। इसकी पत्तियों पर विशेष तौर पर नियमित ध्यान देना चाहिए। अगर इसके पत्ते कर्लिंग कर रहे हैं तो आप इसे कम या ज़्यादा
पानी दे रहे हैं। जो हमने ईंट के टुकड़े एवं सिंडर के टुकड़ों से भरी ट्रे में पानी भर रखा है, जिसके वाष्पीकरण से इसके आसपास हमेशा आर्द्रता बनी रहेगी, जो इसे अति आवश्यक है। इसका जल प्रबंधन नियमित करें, नहीं तो यह पौधा मर जाएगा। अगर पत्तियां कर्ल हो रही हैं, मतलब पूरी मिट्टी सूख गई है, और इसे तुरंत ही फिल्टर वाटर दे देवे। अतः इस तरह इस पौधे की नियमित देखभाल करें। यह पौधा घर की शोभा बढ़ाने के साथ साथ घर के वातावरण को भी शुद्ध बनाएगा। साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उचित एवं ज्ञानवर्धक लगी होगी। आप भी इस पौधे को लगाएं और अधिक से अधिक सभी स्नेही स्वजनों को वृक्षारोपण हेतु प्रेरित करें। आपका दिन शुभ होवे। अपना बहुमूल्य समय देने हेतु आपका आत्मीय आभार।